दो सवाल उठे कि अडानी जी अच्छे बिजनेसमैन हैं और एक LIC का इशू। देखिए रूबिका जी, इस देश में बिजनेसमैन बहुत अच्छे अच्छे हुए, जैसे जेल में है वेणुगोपाल धूत, उनके भाई कभी बीजेपी शिवसेना के कैंडिडेट थे, राज्यसभा में थे। अगर उन्होंने बाद में जुर्म किया तो उसका बिजनेस डिस्क्रेडिट नहीं होता है। मेहुल चौकसी को मोदी जी अपने घर में मेहुल भाई कहके बुलाते थे, आज वो भागे हुए हैं। बात ये हो रही है कि 38 शेल कंपनियां उसके थ्रू पैसा लूट हुआ है, उस पे आज केंद्र सरकार क्या करने जा रही है। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी का क्या हाल है ये सबको पता है। देश बेहाल है लेकिन अडानी मालामाल है, ये भी चारों तरफ चीजें हो रही है, लेकिन गोदी मीडिया बचाने में लगा हुआ है। RSS भी बचाव में उतर आया तो हमने आपको दिखाई दिया, अब गोदी मीडिया किस तरीके से चीजें चला रहा है मैं आपको आज कुछ डिबेट के एक अंश दिखाना चाहता हूं। ABP न्यूज, रूबिका लियाकत होस्ट कर रही थी और कार्यक्रम में कहा गया कि विपक्ष एकता को अडानी का सहारा ? इस तरीके की चीजें चलाई जा रही थी। अडानी पर कोहराम, संसद में कब तक संग्राम, अडानी बहाना, सरकार पर निशाना, बाजार में हाहाकार, विपक्ष का सरकार पर प्रहार, इस तरीके की लाइनें चलाकर ये सीधे तौर पर सरकार को डिफेंड करने की कोशिश ऐसे मीडिया चैनलों द्वारा की जा रही है और अडानी को एक सफल बिजनेसमैन बताया जा रहा है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे हुए थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल थे जिन्होंने बाकायदे एक एक बातों को कह दिया कि अगर कोई सफल बिजनेसमैन है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपराध या गलती करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऐसा तो नहीं है। अब उन्होंने मेहुल चौकसी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी कभी जो है मोदी जी मेहुल चौकसी को मेहुल भाई कहते थे, आज मेहुल चौकसी भारत का पैसा लेके फरार है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किसी के अच्छा बिजनेसमैन हो जाने से यह साबित नहीं हो जाता है कि वो फ्रॉड नहीं कर सकता है, वो गलत नहीं कर सकता है या फिर उसे गलत करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। सबसे सीधी बात समझने की यही है कि अगर इस तरीके से ये चीजें की जा रही हैं, जिस तरीके से ये अडानी के जो शेयर्स हैं इनमें घोटाले की बात है, मां घोटाले की बात चल रही है और विपक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है, तो सवाल पूछना दायित्व है क्योंकि आप समझिए LIC में जो लोग पैसा लगाए हुए वो काफी परेशान है, जो SBI में जिसका पैसा लगा वो परेशान है, तो ये लोग जो परेशान है इसीलिए चीजें हो रही है। अब जो सप्पल साहब है उन्होंने बकायदे सवाल खड़ा किया, पहला सवाल यही खड़ा किया कि बिजनेसमैन, अच्छी बात है कि बिजनेसमैन अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे बिजनेसमैन है तो सरकार भी शांत रह जाए, वो ये अच्छे बिजनेसमैन का जो है बहाना ढूंढ ले कि नहीं अडानी तो अच्छे बिजनेसमैन थे। तो ये सब चीजें जो की जा रही हैं ये एक इशारा मात्र है कि उस कैसे भी करके अडानी को बचाया जाए और अडानी के सारे जो विपक्ष घेर रहा है सरकार को, ये मीडिया कहना है, वो सरकार का डिफेंड हो जाए, ये चीजें की जा रही हैं। इससे पहले तो अडानी से बहुत दोस्ती थी, आप भी जानते हैं, सारी चीजें अडानी के फेवर में हो रही थी। आज जब अडानी एक पर सवाल खड़े हो गए हैं, उन पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, शेयर में हेरफेर के आरोप लग रहे हैं, तब इस तरह की चीजें हो रही। तो पहले मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, वीडियो के क्लिप देखिए, क्लिप देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे मसला आखिरकार है क्या। देखिए दो सवाल उठे कि अडानी जी अच्छे बिजनेसमैन हैं और एक LIC का इशू। देखिए रूबिका जी, इस देश में बिजनेसमैन बहुत अच्छे अच्छे हुए, जैसे जेल में है वेणुगोपाल धूत, उनके भाई कभी बीजेपी शिवसेना के कैंडिडेट थे, राज्यसभा में थे। अगर उन्होंने बाद में जुर्म किया तो उसका बिजनेस डिस्क्रेडिट नहीं होता है। मेहुल चौकसी को मोदी जी अपने घर में मेहुल भाई कहके बुलाते थे, आज वो भागे हुए हैं। इससे बिजनेस और क्राइम दो अलग चीज है। अगर आप बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, अगर आप बहुत सफल बिजनेसमैन है, इससे आपको ये गारंटी नहीं मिल जाती कि अब आप क्राइम कर सकते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट लॉज बने हैं, इसीलिए SFIO है, इसलिए SEBI है, इसलिए कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, इसलिए ED है, इसलिए CBI है, इसलिए CVC है। ये नियम इसलिए बने होते हैं कि आप अगर सफल हैं तो उसकी आड़ में आप क्राइम ना करें। तो आपने देख लिया वीडियो, वीडियो में सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया कि ईडी, SEBI ये सब क्यों है, ये जांच संस्थाएं हैं, जांच इनके द्वारा की जानी चाहिए, कहां गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी हुई, इनके द्वारा जांच की जाए। लेकिन ये कह देना कि नहीं मेहुल चौकसी मेहुल भाई कहते थे प्रधानमंत्री जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश का पैसा लेकर भाग गया। और जो लोग पैसा लेकर भाग रहे हैं, बताया जा रहा है कि मोदी जी के मतलब अच्छे संबंध है उनके, तो ये भी आप समझिए कि अडानी, जिस तरीके से अडानी के शेयर गिर रहे हैं, हर जगह से अडानी के लिए बुरी खबर आ रही है, अमेरिका से भी बुरी खबर आ रही है, ऋषि सुनक की तरफ से बुरी खबर आ रही है, यहाँ भारत में भी अब ये कह दिया गया, भारत सरकार ने भी कह दिया कि हम पूरा मतलब ऑडिट करेंगे क्या क्या डेटा है, RBI ने कह दिया कि हम भैया पैसा कहां कहां बैंकों से कर्जा लिया है अडानी ग्रुप ने, ये सब देखेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर अब अडानी फंस तो गए हैं।
अब उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूं आपको अगला वीडियो, जिस वीडियो जिसमें भी ये सवाल खड़ा किया सपल साहब ने कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए देश में, ऐसा करके क्या जताना चाह रहे हैं। और रूबिका जी जो इस तरीके का जो प्रोग्राम करती हैं, रूबिका को भी तगड़ा जवाब दिया गया है, रूबिका को भी सप्पल द्वारा तगड़ा जवाब दिया गया, क्योंकि वो इस तरह का प्रोग्राम चलाकर बाजार में हाहाकार, विपक्ष का सरकार पर प्रहार, अडानी पर लड़ाई, तो विपक्ष दल भाई भाई, इस तरीके के जो डिबेट चल रही हैं, मतलब आप समझिए कि मेन मुद्दे से जनता को भटकाने की कोशिश मात्र है। जरा आप वीडियो देखिए कैसे सप्पल सामने बातें उठाई है। देखिए अडानी सफल है या नहीं, अडानी सफल है, हम सब जानते हैं सफल है। बात यह हो रही है कि 38 शेल कंपनियां उसके थ्रू पैसा रूट हुआ है, उस पर आज केंद्र सरकार क्या करने जा रही है, या केंद्र सरकार ने मान लिया कि शेल कंपनी है ही नहीं, मान लिया तो किस आधार पर माना है, कोई जांच की है उन्होंने, कहीं से उनको पता है, या अडानी जी पहले से उनको कोई बात बता के रखे हुए हैं। सवाल यह है कि अगर तो शॉर्ट सेलिंग कंपनी के आरोपों को सच मान लेना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जांच करिए, इतनी एजेंसी जांच क्यों नहीं करेंगी, सच को झूठ क्यों मान लिया उन्होंने। आप समझिए, गुरदीप सिंह सप्पल ने ये वीडियो ट्वीट भी किया है, यही वीडियो जो हमने आपको दिखाया, इस वीडियो क्लिप से आपको दिखाया, उनको ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि अडानी सफल व्यापारी है तो क्या उन पर सवाल उठाना, भारत पर सवाल उठाना हुआ, ये सवाल उठा गया है। और यही चीज वो कह रहे हैं कि अगर भैया हम उन पर सवाल उठा रहे हैं कि कह रहा अच्छे व्यापारी है, बहुत अच्छे व्यापारी है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करेंगे और सब कुछ देखते रहेंगे। आप समझिए पूरी मीडिया डिफेंड करने में लगी हुई है। सुधीर चौधरी साहब को आप ले लीजिए, आप जो है देख लीजिए इधर क्या कहते हैं, वो सुशांत सिन्हा साहब है, वो तो बकायदे पैराग्राफ में समझाते हैं, पाठशाला चलाते हैं, आपने देखा होगा उनकी पाठशाला, और उस पाठशाला में क्या लिखते हैं, लिखेंगे कि देखो 36,000 करोड़, ऐसे 36,000 करोड़ लिखेंगे जिससे लगता है 36 रुपए लिख रहे हूं, जबकि उनको ये नहीं पता कि 36,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है गरीब आदमी के लिए, और गरीब आदमी से पैसे लेकर 36,000 करोड़ कोई डकार जाए और फिर ये कहा जाए 36,000 करोड़ तो छोटी रकम है, तो ये समझ में आता है कि मीडिया क्या रोल निभा रहा है इस पूरे अडानी मसले को लेकर, क्योंकि वो नहीं चाह रहा है कि सरकार पर किसी भी तरीके की उंगली उठे, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही बार बार कह रहे थे कि देख लो भैया कि जिसके हाथ में चीजें जा रही हैं वो बहुत नुकसानदायक होने वाली आने वाले समय में, और आने वाले समय में नुकसानदायक क्या, वो समय आ ही गया है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके की स्थिति हो गई है, जो दूसरे तीसरे चौथे पायदान पर रहते थे आज वो कहां है, 21वें से आगे भी चले गए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए लगातार गिरावट है, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन आखिरकार क्या है। तो अब देखिए लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं इस पर, शिव सरदा है वो लिखते हैं कि क्या अडानी जी हमारे देश के साथ खड़े हैं, क्या अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केस करने की हिम्मत दिखाई, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं, अंधभक्ति हमारे देश की मदद नहीं करेगी, जय हिंद, हैशटैग अडानी स्कैम 2023, यानी 2023 में बड़ा स्कैम अडानी की ओर से हुआ है। और ये बात कही जा रही है अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, उस रिपोर्ट में गलती की गई है, वो गलत रिपोर्ट पेश की गई, तो अब तक अडानी को FIR कर देनी चाहिए, अडानी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग पर FIR हो जानी चाहिए कि ये मतलब मानहानि का केस तो बनता ही, भैया इस तरीके चीजें आप फैला रहे उससे बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन यहां पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अमोद पहाड़िया है वो लिखते हैं कि रूबिका लियाकत यदि किसी ने आरोप लगाए हैं तो मीडिया ट्रायल के बिना पर उसे बेगुनाह करने का अधिकार आपको कैसे है, कैसे आप जो है मीडिया ट्रायल से बेगुनाह करें, जांच एजेंसियों को जांच करने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल जनता पूछ रही है रूबिका लियाकत जी से भी कि रूबिका लियाकत जी बताइए आप कि आप मीडिया ट्रायल के बिना पर उसे बेगुनाह करने का अधिकार आपको कैसे, जब उस पर किसी ने आरोप लगाए हिंडनबर्ग की तरफ से बहुत बड़े आरोप लगाए गए तो आप उसे बेगुनाह साबित कैसे कर रहे हैं, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। जांच एजेंसियों को जांच क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। काम की बात काम प्रोड्यूसर है वो भी ट्वीट करते लिखते हैं गजब बेवकूफ है बीजेपी वाले, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर सवाल उठा सकते हैं लेकिन देश के एक व्यापारी पर सवाल उठाना भारत पर सवाल उठाने के बराबर कैसे हो गया, एक व्यक्ति देश है, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग, क्या एक व्यक्ति देश है, अडानी पर सवाल उठाना क्या देश पर सवाल उठाना हो सकता है, लेकिन नहीं, अडानी पर सवाल पूछ लिया तो भैया मीडिया भी सवाल पूछने लगेगी, तो ये जो है चीजें जो हो रही है वो आप समझिए कैसे हो रही है। अहमद ने लिखा कि रूबिका मैम को चक्कर आ गया इतना सुनकर, ये भी लिख रहे हैं लोग कि रूबिका मैम को चक्कर भी आ गया है, तो आप ये समझिए इस बात को बखूबी कि किस तरीके से अडानी ग्रुप पर जब ये आफत आई है और मोदी सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो, लेकिन RSS आप बताइए, RSS सीधा कह रहा है कि कुछ लोगों की चाल है, कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग जो है बर्बाद करना चाहते हैं अडानी को, अडानी के पीछे पड़े हुए हैं, ये सब चीजें की जा रही, तो ये समझ में आता है कि एक तरफ से कार्रवाई के लिए सिर्फ ये कह देना कि हम जांच करेंगे ऑडिट करेंगे ये दिखाना, और दूसरी तरफ RSS का सामने आकर सीधे समर्थन कर देना अडानी का, ये समझ में आता है कि भैया ये गुड़िया कहां से जुलाई जा रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।